हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लिंटो पैरामाउंट बुक से प्री पोजिशन। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं प्लिंटो पैरामाउंट बुक से, जैसे नरेशन, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और भी बहुत सारी जितने भी वोकैब है वो हमने कंप्लीट की। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्री पोजिशन को, समझेंगे प्री पोजिशन होता क्या है और इसके यूजेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीपोजिशन के बारे में जानना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द या समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। मतलब इतना समझिए सिंपल भाषा में कि प्रीपोजिशन जो है दो सेंटेंसों को, दो नाउन्स को, प्रोनाउन्स को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है और उनके बीच जो है संबंध स्थापित करता है, यानी रिलेशन शो करता है। अब देखिए क्या होता है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन के डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो मैं क्लियर कर दूं। जैसे कंजक्शन हम जब पढ़ते हैं, कंजक्शन जब हमने पढ़ा था, तो कंजक्शन क्या होता है कि कंजक्शन भी दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये जो है रिलेशन शो नहीं करता, लेकिन प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन शो करता है दोनों के बीच में। बस यही डिफरेंस है हमारा। तो देखिए, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल दिए हुए प्रीपोजिशन के वो देखना जरूरी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। मतलब टेबल के अंदर क्या है, एक बिल्ली बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो अंडर आया है, इसमें अंडर क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है और उनके बीच जो है रिलेशन शो कर रहा है कि टेबल के नीचे कौन बैठी है, तो बिल्ली बैठी है। वरना देखिए इनका जो अपना कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। द टेबल का अलग मीनिंग निकल जाएगा, देयर इज अ कैट सिटिंग इसका अलग निकल जाएगा। तो दोनों क्या कर रहा है, ये हमारा जो प्रीपोजिशन है वो जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखिए इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वी नीड अ रूफ ओवर अस। मतलब हमें अपने ऊपर क्या चाहिए, एक छत की जरूरत है या छत चाहिए। आई गो टू अ स्कूल बाई बस, मैं अपने स्कूल जो है बस से जाता हूँ। तो यहाँ पे बाई जो है क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, इसके बाद भी हो सकता है। जैसे हु वॉज ही टॉकिंग टू, मतलब वो किससे बात कर रहा था। तो देखिए टॉकिंग यानी कि टॉकिंग के बाद क्या है, टू आया है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद तो कोई है नहीं नाउन या प्रोनाउन, तो हम कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इनके बीच में कुछ ऐसे प्रीपोजिशन का पेयर है जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए बिटवीन और अमंग, तो बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ यूज करें बिटवीन का और कहाँ यूज करें अमंग का। उसी तरह से अक्रॉस और थ्रू, अक्रॉस का मतलब के उस पार, थ्रू का मतलब भी होता है के उस पार या फिर द्वारा। तो इनमें भी कंफ्यूज जाते हैं। तो इनका मतलब अंदर और इनटू का मतलब भी होता है अंदर। तो इनमें भी कंफ्यूज जाते हैं इनको यूजेज को लेकर के। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो में। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला है अमंग और बिटवीन। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अमंग का मतलब भी होता है बीच में और बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में। अब बुक से थोड़ा हट के मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अमंग का प्रयोग, अमंग, तो अमंग का प्रयोग हम दो से अधिक के बीच में करते हैं। किसमें, तो दो से अधिक के बीच में, यहाँ पे मैंने टू प्लस लिख दिया। और बिटवीन का प्रयोग, जो बिटवीन का यूज है, हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में करते हैं। किसमें, दो में। बस इतना समझिए, अमंग, अमंग का मतलब क्या होता है, तो दो से ज्यादा के बीच में। और बिटवीन का प्रयोग किसके बीच में करेंगे, तो दो के बीच में करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब होता है प्लस, ए प्लस। तो जहां पे भी आ जाए तो आप समझ जाइए ए दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, टू से अधिक व्यक्तियों का हो जाएगा। और बिटवीन का मतलब तो आपको पता है, बीच का मतलब होता है दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉम्बैट नक्सलिज्म। अब देखिए डिफरेंट स्टेट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं, यानी कि प्लूरल की बात की जा रही है। तो जब बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे, ना कि बिटवीन का। तो देखिए बिटवीन पे कट लगाया गया है और अमंग जो है यहाँ पे राइट है। उसी प्रकार सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। अब यहाँ पे बेगर्स मतलब ढेर सारे लोग हैं, यानी दो से मोर देन टू है। तो जब मोर देन टू है तो हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। उसी प्रकार से द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम, यानी यहाँ पे देम है तो देम भी क्या है, मोर देन टू है। अब जब मोर देन टू है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। तो हमारा अमंग का जो है क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बिटवीन का आइए, बिटवीन का मतलब भी होता है दो के बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो जहां पे दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात हो रही हो। तो देखिए दिया हुआ क्या है, द मैच विल बी प्लेड
बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मैच जो है किसके बीच खेला जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। तो इंडिया एक हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया एक हो गया, यानी दो के बीच की जब बात की जाएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का, ना कि अमंग का। इसलिए यहाँ पे अमंग जो है वो क्या कर दिया गया है, कट लगा दिया गया है। उसके बाद देखिए, बिटवीन का प्रयोग दो या अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें क्या होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इनमें क्या है, एक पारस्परिक संबंध है कि इनके बीच ही मैच खेला जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, बिटवीन का प्रयोग किया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशन, यानी कि तीन यूरोपियन नेशन के बीच में क्या है, संधि है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, यानी कि तीनों में क्या है, संधि है। तो जब तीनों में संधि की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिटवीन का प्रयोग कर रहे हैं दो से अधिक के बीच में भी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं है। उसके बाद है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अब आपने अगर केस पढ़ा होगा, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपने पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है बिटवीन के बाद। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि देयर इज नो एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी या फिर मतभेद। तो देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी, तो यहाँ पे ना कि ही एंड आई, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बिटवीन के बाद ही लगा दो उसके बाद आई लगा दो, आई और ही क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक जिसको हम बोलते हैं। लेकिन हमें यूज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा और आई का मी हो जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है कि द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 AM, सॉरी 4 PM, यानी कि मीटिंग जो है कब होगी, तो 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होगी। तो यहाँ पे भी दो की बात की जा रही है, तो ये भी क्या है हमारा, दो के लिए यूज किया गया है। तो क्या है कि बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, कंजक्शन होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, आपने पढ़ा होगा, नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। किसके साथ, याद कीजिएगा, नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं हम, आइदर के साथ और का यूज करते हैं, है ना, आइदर के साथ और। इसके अलावा नॉट ओनली के साथ बट अल्सो का यूज करते हैं, नॉट ओनली और बट अल्सो। तो इन सब, ये सब जो है क्या है, वो हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो इसी तरह बिटवीन के साथ हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन, और बिटवीन के साथ हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन क्या आया, एंड आया। तो याद रखिएगा, ना कि आप और या नॉर लगा दीजिएगा। उसके बाद है, बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब बिटवीन के बाद कोई सा भी नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, तो हमेशा किस फॉर्म में होगा, तो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे देखिए, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस, तो इन सब का प्रयोग जो है हम किसके पहले बात करेंगे, तो बिटवीन का बात करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आप जहां पे भी देखिए सिंगुलर, तो समझिएगा इरर पार्ट है। उसके बाद है, बिटवीन के बाद कभी भी इच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। बिटवीन के बाद हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, इच और एवरी। तो इच और एवरी का आपको मतलब पता है कि इच का मतलब प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक हो जाएगा। तो बिटवीन इच बॉय कहना गलत है और बिटवीन एवरी बॉय कहना या एवरी गर्ल कहना गलत है, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में ना, और इच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। तो यहाँ पे तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा, तो इसका यूज हम क्यों करेंगे। उसके बाद एमंगस्ट, एमंगस्ट का मतलब होता है, देखो मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया मैंने आपको, बिटवीन और एमंग का यूज बताया। बिटवीन का मतलब दो के बीच में और एमंग का मतलब दो से अधिक के बीच में। अब यहाँ पे आ रहा है एमंगस्ट, तो एमंगस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है दोनों का प्रयोग जो है, बीच का अंतर देखे, दोनों के यूजेज में हम अंतर देखेंगे क्या क्या अंतर है। तो देखिए, द से पहले एमंगस्ट एवं द, सॉरी, द से पहले एमंगस्ट एवं एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। द से पहले का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, द क्या है, एक आर्टिकल है जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और दूसरा होता है अनडेफिनेट। तो डेफिनेट में हमारा आता है द, और अनडेफिनेट में आता है ए और एन। तो द के पहले एमंग का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, और किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, एमंगस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एमंग द बॉयज और एमंगस्ट द बॉयज, यानी दोनों हमारे सेंटेंस जो है सही है। अब देखिए अगला रूल क्या कहता है, एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले पहले शब्दों से पहले, तथा एमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। अब देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वो आपके सामने जो है प्रत्यक्ष है, क्या है, तो कॉन्सोनेंट से अगर पहले शब्द शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट, अब आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता होगा। तो देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट फिर से यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता क्या है।
तो वोवेल का मतलब हुआ हम क्या करेंगे जब किसी भी वर्ड का, जैसे हमने लिखा यहाँ पे आर, एच ओ यू आर, अब इसका हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, अगर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ के बीच में आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा वोवेल, क्या हो जाएगा वोवेल हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटी, पूरा नहीं लिख पाऊंगा स्पेस नहीं है, यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे लिखा अगर तो यू आ रहा है, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देख रहा हूँ तो क ख ग के अंदर में आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब जो है आपको क्लियर हो गई होगी बातें कि वोवेल और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करेंगे और एमंगस का प्रयोग किसके पहले करेंगे वोवेल से पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या देम, एमंग देम, तो ये क्या हो रहा है देम, इसको अगर हम करें अगर ऐसे लिखें देम हिंदी में लिखे देम तो ये द से आ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले किसका प्रयोग करेंगे एमंग का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे है अस, यू एस, अस को हम ऐसे लिखते हैं और अस किससे आ रहा है तो अ से आ रहा है, तो अ से जब आ रहा है तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे एमंगस्ट का करेंगे क्योंकि हमारा वावेल हो गया। अब बातें आपको क्लियर हो गई, अब हम समझेंगे एमाइड और एमाइडेस्ट का। देखिए एमाइड और एमाइडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है, इसके प्रयोग में वही अंतर है जो एमंग और एमंगस के प्रयोग में है। आप समझ पा रहे होंगे क्या बातें यहाँ पे हो रही है, एमंग और एमंगस के बीच में जो डिफरेंस था, यानी कि एमंग का प्रयोग हम किसके पहले कर रहे थे तो कॉन्सोनेंट के पहले कर रहे थे और एमंगस का प्रयोग किसके पहले कर रहे थे तो हम वोवेल के पहले कर रहे थे, वही बात यहाँ पे भी होगी। एमाइड और एमाइडिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा द बिल वॉज पास्ट एमाइड पैंडेमोनियम, उसके बाद क्या है You are sitting amidst us. अब यहाँ पे देखो us है तो us के पहले हमने किसका प्रयोग किया amidst का, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है us वो vowel है। उसी प्रकार यहाँ पे pandemonium जो दिया हुआ है तो pandemonium क्या है p से आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके पहले किसका प्रयोग किया तो amid का प्रयोग किया। अब जो है आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा among, between, amongst और amid और amidst के बीच में। उसके बाद देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग, तो यहाँ पे मैं अपनी भाषा में समझा दूँ आपको, बिसाइड जो हमारा बिसाइड दिया हुआ रहता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर के बगल में, ठीक है। और उसके बाद जो बिसाइड्स दिया हुआ रहता है बी ई एस आई डी ई एस जो लगा हुआ रहता है इसके, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी एक्सटर्नल बोल सकते हो आप, के अतिरिक्त या फिर एडिशन बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा बिसाइड का मतलब बगल में और यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा था, तो ही सेट बिसाइड्स मी, बिसाइड्स नहीं होगा यहाँ पे, ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है। तो जहां पे भी बगल की बात की जाएगी हम किसका प्रयोग करेंगे बिसाइड का प्रयोग, लेकिन जब अतिरिक्त की बात की जाएगी जैसे बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन, मतलब उसके बच्चों के अतिरिक्त हिज नेफ्यू एंड नीस वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, यानी उसके बच्चों के अतिरिक्त उसके नेफ्यूज यानी कि भतीजे और नीसेस यानी भतीजियां कहाँ प्रेजेंट थी तो सेरेमनी में प्रेजेंट थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बिसाइड्स का मतलब क्या हो रहा है के अतिरिक्त यानी एडिशनल की बात की जा रही है, लेकिन बिसाइड का मतलब क्या होता है के बगल में। अब दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से बिल्कुल। अब देखिए थर्ड है हमारा फोर और सेंस, तो फोर और सेंस जैसा मैंने आपको बताया था फोर और सेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं टेंस में, तो हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर देते हैं हम सेंस और फोर का प्रयोग। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जैसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो फोर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो फोर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से टेंथ में समझाया था, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हो, जैसे देखो चार दिनों से यानी फोर फोर डेज, चार दिनों से, दस महीनों से, कई सालों से, तो देखिए ये सब क्या है हमारे पीरियड ऑफ टाइम है, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही सिंस का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, किसके साथ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वो एक एग्जैक्ट टाइम दिया हो जैसे 2005 से 2010 से जनवरी से 10 बजे से, यानी कि फिर अस्टरडे कल से टुमारो टुडे, तो इन सब में आप किसका प्रयोग करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आप क्लियर हो गए। अब एग्जांपल देखिए दिया हुआ क्या, आई हैव इटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने जो है बहुत समय से कुछ नहीं खाया है, तो बहुत समय का मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की जा रही है, मतलब कोई भी समय हो सकता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। उसी प्रकार के सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 इयर्स, वो यहाँ 10 सालों से रह रही है,
तो कौन से 10 साल, ये मुझे पता नहीं है, शायद बहुत पहले से हो या फिर हाल ही में हो, तो ये जो है पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो 4 का प्रयोग करेंगे। बाकी जब कोई परफेक्ट टाइम दिया हो, पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009, यानी 2009 से मैंने उसे नहीं देखा है। तो ये तो बात क्लियर होगी, आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। अब आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि सिंस का प्रयोग चूंकि क्योंकि के अर्थ में भी होता है। अब आपने बहुत बार यूज भी किया होगा इस वर्ड को, सिंस यानी चूंकि। तो देखिए क्या है, सिंस ही ड्रो रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब लापरवाही होता है, या फिर ही मेट विद एन एक्सीडेंट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, चूंकि चूंकि वो क्या है था, मतलब बोल सकते हैं लापरवाह था, इसीलिए ही मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब क्या है, वो जो है ड्राइव, देखिए ड्राइव का जो है ये V2 है, ड्रोव, ड्रोव का मतलब होता है वही हो गया जैसे गाड़ियां चलाना है ना, तो उस क्या कर रहा था, मतलब लापरवाही से गाड़ियां चला रहा था इसलिए, और चूंकि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था इसलिए क्या हो गया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे चूंकि और क्योंकि के रूप में भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंस बिकॉज एवं एज का पेयर सो नहीं होता। देखिए सिंस बिकॉज एवं एज का पेयर क्या नहीं हो सकता, तो सो नहीं होता। जैसे देखिए सिंस है, अब यहाँ पे क्या, सिंस के साथ आप सो या देयर फोर नहीं लगा सकते, एज के साथ सो या देयर फोर नहीं लगा सकते, बिकॉज के साथ हम सो या देयर फोर नहीं लगा सकते, ये लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंस सिंपल अपने साथ लगेगा, एज भी अपने साथ लेगा और बिकॉज भी अपने साथ लेगा, इसमें साथ हमें सो और देयर फोर जो है कंजक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाया गया, सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, ये गलत हो जाएगा, सो का प्रयोग यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, सो सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, मतलब चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं आ नहीं पाया, तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नोट में देखिएगा, एज यू सो सो शैल यू रिप, ये देखिए क्या है, उपरोक्त ये फ्रेज है या कहावत बोल सकते हो कि जैसा तुम बोओगे वैसा पाओगे, या फिर जैसा तुम रोपोगे वैसा काटोगे, तो ये कहावत है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, सो का प्रयोग किया गया है। तो उपरोक्त फ्रेज में एज के साथ सो का प्रयोग होता है, यहाँ एज सो, एज डॉट 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 सो का अर्थ है जैसा और वैसा, है ना, जैसा तुम बोओगे वैसा पाओगे। उसके बाद देखिए फोर का अर्थ के लिए भी होता है ना, फोर का अर्थ जो के लिए भी होता है, मतलब दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, या द पुलिस इज फॉर योर सेफ्टी, मतलब पुलिस तुम्हारे सुरक्षा के लिए है। तो यहाँ पे जो है फोर का मतलब क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। अब हम समझेंगे अक्रॉस और थ्रू का मतलब, अक्रॉस और थ्रू का क्या होता है मतलब। तो देखिए यहाँ पे अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, डिफरेंस समझिएगा, इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके यूजेज में, तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है पिक्चर्स दे दे के, यही इसकी खास बात है प्लेन टू पैरामाउंट बुक की। तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, तो अक्रॉस देखिए यहां से इधर से इस पार हो गया, इसको बोलेंगे अक्रॉस। लेकिन थ्रू का मतलब होता है के जरिए, यानी गुजर करके। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे क्या दिया हुआ है, एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, तो आप उस पर से अगर क्रॉस हो रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, अक्रॉस द ब्रिज। लेकिन एक अगर टनल है, आप उसके अंदर से गुजर रहे हो, तो आप क्या वहां पे यूज करोगे, थ्रू द टनल। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आई स्वाम, स्वाम का मतलब क्या, तैरा, यानी स्विम का V2 है स्वाम। आई स्वाम अक्रॉस द रिवर, मैंने तैरकर नदी पार किया। उसके बाद है द मैसेज वर कन्वीड टू मी बाय हिम थ्रू हर, यानी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उससे गुजर करके जो है मैसेज मेरे पास आया, या द ट्रेन पास थ्रू द टनल, यानी कि ट्रेन जो है किससे पास हुई, तो टनल से पास हुई, तो उसके अंदर से गुजर के पास हुई, ना कि उसके ऊपर से पास हुई। लेकिन यही यहाँ पे अगर ब्रिज होता तो ब्रिज का मतलब क्या हो जाता, अक्रॉस द ब्रिज। अब जो है आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है, जैसे उस पार के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, ऑन द अपोजिशन ऑफ द साइड ऑफ ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, मतलब वो रोड के उस पार जो है मेरा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। और अक्रॉस का मतलब दोनों तरफ से भी होता है, बोथ साइड। अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। उसके बाद है कम अक्रॉस, देखिए कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक से मुलाकात हो जाना। फ्रेजल वर्ब की ट्रिक मैंने बनाई है वीडियो, आपने नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखिए। व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ये देखो सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिए कि कम अक्रॉस का अर्थ क्या होता है, अचानक मिल जाना, क्या हो जाना, अचानक मिल जाना हो जाता है। तो जब अचानक मिल जाना होता है तो हम यहाँ पे सडनली का प्रयोग क्यों करेंगे, अतः कम अक्रॉस के साथ सडनली का प्रयोग यहाँ पे करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कम थ्रू का मतलब ही होता है, सॉरी कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक से मिल जाना।
उसके बाद देखिए क्या है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो ये सही हो जाएगा हमारा सेंटेंस। उसके बाद है कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है, कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं करेंगे, आई केम अक्रॉस विद हिम नहीं होगा, आई केम अक्रॉस हिम होगा। अब ये बातें आपको समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ऑन और अपॉन के बारे में पढ़ना, ऑन का मतलब भी होता है ऊपर और अपॉन का भी मतलब होता है ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है उसको आप समझिएगा। पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ऑन का मतलब बिल्कुल टच होता हुआ, एक वस्तु रखी हुई है वो बिल्कुल टेबल से टच है, लेकिन ये क्या है थोड़ा ऊपर है। अब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिए हुए है कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल कहाँ है, बुक कहाँ है, तो टेबल पर है। यहाँ ऑन का अर्थ है के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श में है, यानी एक दूसरे को टच कर रहा है, टेबल भी टच कर रहा है बुक को और बुक भी टेबल को टच कर रहा है। लेकिन द कैट जंप अपॉन द रैट, यानी कि कैट जो है वो छलांग मार दी किस पे, चूहे पे, यानी गति की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, गति की बात की जा रही है, यानी मोशन की बात की जा रही है। अब पिक्चर्स पे आइए, पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे तो ये टच होकर के रखी हुई, लेकिन अगर बिल्ली जंप करे यहाँ पे टेबल पे तो हम क्या बोलेंगे, द कैट जंप अपॉन द टेबल। अब आपको बातें जो है क्लियर हो गई ऑन और अपॉन से रिलेटेड। अब है ओवर का प्रयोग, तो ओवर का प्रयोग मतलब होता है ऊपर के अर्थ में लेकिन टच होता हुआ नहीं। ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है लेकिन टच होता हुआ नहीं। तो देखो क्या है, वी नीड अ रूफ आवर ओवर आवर हेड, मतलब हमें क्या जरूरत है, तो हमें एक छत की जरूरत है हमारे सर पे। सर पे का मतलब है सर के ऊपर, ना कि सर पे टच होते हुए। अब आप समझ पा रहे हो कि जैसे हम छाता लेते हैं तो अपने सर के ऊपर लेते हैं, लेकिन छाता जो है हमारे सर से टच नहीं होती है। या फिर जैसे एरोप्लेन उड़ता है हमारे सर के ऊपर, तो हमारे सर के ऊपर से वो टच होके नहीं जा रही है, मतलब उससे ऊपर होके जा रही है। या फिर एक फैन है, तो हमारे सर के ऊपर फैन है तो वो हमारे सर से टच नहीं हो रही है, ऊपर है, तो हम बोलेंगे द फैन इज ओवर माई हेड, यानी कि हमारे सर के ऊपर क्या है, फैन है पर टच नहीं है, ना कि यहाँ पे ऑन का प्रयोग हम करेंगे। तो अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वो टच में हो या नहीं। जैसा द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, क्योंकि आवरण तो है उस पे, है ना, क्योंकि नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। उसी प्रकार से पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, यानी बेबी के ऊपर क्या रख दे, एक ब्लैंकेट रख दे, ये क्या है आवरण है, कवर है। उसके बाद कुछ जो है रूल नंबर 7 देखिएगा, ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजिशन बताने के लिए होता है। अब देखिए वो ओवर और अंडर का प्रयोग हम कैसे देखेंगे, तो देयर इज अ फैन ओवर आवर ओवर आवर हेड या फिर योर हेड, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे छत तुम्हारे सर के ऊपर क्या है, एक फैन है, तो वो टच नहीं हो रहा, वो हमारे वर्टिकल है। उसी प्रकार से आर कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी कि कैट जो है कहाँ बैठी हुई है, तो टेबल के अंदर में बैठी हुई है, ना कि टेबल को टच करते हुए बैठी है। अब जो है ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से इन और इनटू है, इन का मतलब होता है अंदर, लेकिन इनटू का मतलब होता है मोशन में, गति में। तो देखिए क्या है, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग कहाँ बैठे हैं, तो क्लासरूम के अंदर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे है द बॉय जंप इनटू द रिवर, यानी कि बॉय जो है नदी के अंदर कूद गया, तो वो कैसे कूदा, तो मोशन में कूदा है, वो जंप कर रहा है, तो उसका बॉडी जो है मोशन में हो गया है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, इनटू का प्रयोग किया। तो यहाँ इनटू का अर्थ है के अंदर जाता हुआ, यानी मोशन में, लेकिन इन में क्या होता है, मोशन नहीं होता है। तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, थ्रो के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं, इन का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पे ही इंटर्ड इनटू द रूम नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, ही इंटर्ड, यहाँ पे इनटू हट जाएगा और हो जाएगा ही इंटर्ड द रूम, ना कि इनटू द रूम। उसी प्रकार से ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, अब यहाँ पे इनटू के स्थान पे इन का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे इनटू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि थ्रो आ रहा है यहाँ पे टी एच आर ओ डब्ल्यू का, ये वी टू है, ये थ्रू टी एच आर यू डब्ल्यू, जिसका मतलब होता है फेंका, तो इसके साथ भी हम इनटू का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है मोशन में है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा नोट में कि इंटर इनटू एग्रीमेंट अलायंस एवं इंटर ऑन अपॉन अर्थ, अर्थ जो है इसका टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है। अब ये सब क्या है, ये सब भी एक फ्रेज है, इंटर इनटू एग्रीमेंट, तो इन सब के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी देखिए रूल नंबर 9 में कि ऑन टाइम और इन टाइम का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर और इन टाइम का मतलब होता है समय से। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब क्या है यहाँ पे, हम समय से कहाँ पहुंच गए, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए। तो समय से जब पहुंचने की बात आएगी तो इनका प्रयोग करेंगे। और द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हुआ, तो टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो
तो हम वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, समय पर स्टार्ट हुआ तो ऑन का प्रयोग करेंगे, तो समय से में इन का प्रयोग और समय पर में ऑन का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ विद थ्रू सॉरी विथआउट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव एग्जैक्टली ऑन टाइम ना कि इन टाइम, तो समय पर पहुंच गई तो हम प्रयोग करेंगे किसका, ऑन टाइम का ना कि इन टाइम का। उसी प्रकार देखिएगा रूल नंबर 10 में बाई और विद, बाई का मतलब होता है के द्वारा और विद का मतलब होता है से औजार, यानी औजार वगैरह का प्रयोग करेंगे तो हम विद का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में द पेपर वाज साइन बाय हिम, यानी पेपर पेपर पे उसके द्वारा साइन किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया, तो विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। अब यहाँ पे देखिए विद, विद क्या है, तो विद का प्रयोग किसके साथ कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट जिसके साथ वो यूज कर रहा है, यानी जिस इक्विपमेंट को यूज में ला रहा है वो, उसके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो पार्कर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहीं पे देखो दिया हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, द स्नैक वॉज किल्ड बाय द मैन, यानी स्नैक किसके द्वारा मारा गया, तो मैन के द्वारा मारा गया, तो किस चीज से मारा गया, तो विद अ स्टिक। तो जहां पे भी आपका है कोई साधन यानी इक्विपमेंट आए तो उसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे, और जिसके द्वारा कोई काम किया जाए तो उसके साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड, यानी तुम जो है कोई भी बड़ी मछली जो है स्मॉल रॉड के साथ नहीं पकड़ सकते। अब देखिए बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, तो बिफोर का मतलब के पहले होता है, के समक्ष होता है, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, फ्रंट का मतलब भी होता है सामने, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आई केम बिफोर यू, मतलब मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुआ या आया। उसी प्रकार से इंडिया रेज द इशूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, यानी कि यूएन के सामने जो है इंडिया ने ये मुद्दा उठाया। तो यहाँ पे देखिए के समक्ष की बात की जा रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का, लेकिन जब दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, तो ऐसे बोलेंगे डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय गेट, मतलब मेरे गेट के आगे जो है के सामने है, अपने कार को पार्क मत करो। तो के सामने की जब भी बात आए तो हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और जब भी बिफोर यानी कि के समक्ष की बात की जाए तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एट और इन का प्रयोग क्या होता है, तो एट का मतलब आपको पता है और इन का मतलब भी पता है, एट तो आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे साफ जो है समझा देता हूँ आपको। सापेक्ष रूप से छोटे स्थानों के लिए, यानी जो नॉर्मली यूज करते हैं हम एट का, वो करते हैं छोटे स्थानों के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, और इनका प्रयोग जो है बड़े स्थानों के पहले करते हैं। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, मतलब कहाँ रहता हूँ मैं, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, और जो कि कहाँ है दिल्ली में है। तो मुखर्जी नगर एक क्या है, छोटा सा एरिया है, किसके तुलना में, तो दिल्ली के तुलना में, किसके तुलना में, तो दिल्ली के तुलना में मुखर्जी नगर एक छोटा सा एरिया है, तो वहां पे मैं किसका प्रयोग करूंगा, तो एट का प्रयोग करूंगा मुखर्जी नगर के लिए। और वहीं दिल्ली के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो इनका यूज करेंगे। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे अगर मुखर्जी नगर के अंदर भी मुझे कोई छोटा सा स्थान बताना हो तो मैं वहां पे एट का प्रयोग करूंगा, और मुखर्जी नगर के लिए फिर मैं इनका प्रयोग करूंगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर आ रहा है मुखर्जी नगर, इसलिए मैंने मुखर्जी नगर के साथ एट का यूज किया और दिल्ली के साथ इनका यूज किया। लेकिन मुखर्जी नगर के अंदर में भी मुझे एक छोटा सा स्थान शो करना हो तो मैं उस छोटे से स्थान के लिए एट का प्रयोग करूंगा और मुखर्जी नगर के पहले मैं इनका प्रयोग करूंगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। देखिए इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद। तो देखिए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। नोट, नोट में देखिए क्या है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर इरर दिए जाते हैं, डिस्पाइट के साथ क्या लगा दिया जाता है, ऑफ लगा दिया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। ऑफ किसके साथ लगता है, तो सिर्फ इन स्पाइट ऑफ के साथ लगता है, और डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दीजिएगा तो एरर हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग ना करें। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है डिस्पाइट बिंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, मतलब अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, तो डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए बाय और इन, तो बाई और इन का मतलब यहाँ पे आपको पता है, बाई का मतलब द्वारा होता है, इन का मतलब अंदर होता है। तो आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार के अंदर बैठा हूँ, आई एम गोइंग इन कार नहीं होता, आई एम गोइंग बाई कार, है ना, मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या प्रयोग नहीं करना है, तो इन कार नहीं प्रयोग करना है, बस ये ध्यान में रखना है। किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर पैदल यात्रा की जाए तो ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात याद रखना है कि फुट के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी हम पैदल जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑन फुट, ठीक है, लेकिन जब भी किसी व्हीकल के साथ जा रहे हैं तो हम करेंगे बाई प्लस व्हीकल।
उसके बाद देखिए, आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट, मतलब मैं पैरामाउंट कैसे जाता हूँ, तो फुट पे जाता हूँ यानी पैदल जाता हूँ, तो हम ऑन फुट का प्रयोग करेंगे। अब रूल नंबर 15 देखिएगा, एग्जैक्ट टाइम एट, मंथ इन, ईयर इन, डे ऑन, डेट ऑन, ये जो है आपको याद रखना है। आई रिच दिल्ली एट 7 o'clock, यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जब टाइम की बात की जा रही है, किसकी एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट 7 बजे पहुंच जाता हूँ दिल्ली, तो हम इसके लिए एट का प्रयोग करेंगे। कोई भी मंथ हो, मंथ के लिए इन का प्रयोग करेंगे। ईयर, ईयर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। और डे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन मंडे, ऑन संडे, और ऑन 7 सितंबर, यानी डेट के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, तो हम करेंगे ऑन का प्रयोग। इतनी बातें जो है आपको ये रट जानी है। उसके बाद एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें, जैसे एट डाउन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, तो इनके साथ हम जो है एट का प्रयोग करते हैं। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। और मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट या फिर डे लगा हुआ हो तो इनके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऑन संडे मॉर्निंग, यहाँ पर दिन आ गया, संडे आ गया, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑन संडे का प्रयोग कर रहे हैं, ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, टूडे, टुमारो, अस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, अस्टरडे इवनिंग, अस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिए किनके किनके पहले, तो टुडे, टुमारो, अस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द अस्टरडे इवनिंग, और द अस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग आदि के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, और इन्हीं के साथ जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि ही विल गो देयर ऑन टुमारो। अब यहाँ पे ऑन का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है टुडे, टुमारो, है ना, अस्टरडे, अस्टरडे मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते, ऑन का प्रयोग नहीं करते। उसी प्रकार दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, तो यहाँ पे भी हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग के साथ भी हम ऑन का प्रयोग नहीं करते। अब है आफ्टर और बिफोर, तो जैसा कि आपको पता है आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है के पहले। तो देखिए ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो इंडिया जो है, भारत जो है बहुत समय के बाद लौटा, तो बहुत समय के बाद के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, मतलब मैंने अमेरिका छोड़ दिया किस लिए, तो भाई यहाँ पे क्रिसमस के पहले, है ना, क्रिसमस के पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार देखिएगा टिल अंटिल, टिल अंटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम बताते हैं, यूज करते हैं कैसे, तो देखिए द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल टिल अंटिल नेक्स्ट सेशन, मतलब जो गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट सेशन तक क्या नहीं पास करेगी, कोई भी बिल पास नहीं करेगी, तो टिल अंटिल का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद देखिए हमारा दिया हुआ है 18 नंबर, बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। तो अब देखिए क्या होता है, वी सेल Have finished the syllabus by the end of next month. मतलब next month होते होते हम क्या कर देंगे, अपना syllabus जो है खत्म कर देंगे। यहाँ पे भी by का प्रयोग जो है preposition of time के रूप में point of time के लिए हो रहा है, तो ये भी क्या है, point of time है, the next month। उसी प्रकार during का प्रयोग, तो during का मतलब होता है के दौरान, यानी ये अवधि को शो करता है, duration को शो करता है, तो that means during का प्रयोग अवधि बताने के लिए किया जाता है। During the strike many people died, यानी कि स्ट्राइक के दौरान बहुत से पीपल जो है क्या हो गए, मारे गए। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या है कि ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, तो स्ट्राइक के दौरान तो किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का। उसी प्रकार से अप डाउन और अप टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखिए अप का मतलब ऊपर, एरो ऊपर जा रही है, तो अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई क्लाइम अपॉन द ट्री, मतलब मैं पेड़ पे चढ़ा, तो पेड़ पे ऊपर चढ़ा तो अप का प्रयोग करेंगे। ही रेन डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, दौड़ा, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ा, या फिर वहां पे बोल सकते हैं कि सीढ़ियों से नीचे आया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डाउन का, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं। उसी प्रकार चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, यानी चिल्ड्रेन क्या करते हैं, चिल्ड्रेन को 14 की एज तक फ्री एजुकेशन मिलने का उनको हक है, बोल सकते हो उनको मिलता है। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो अप टू का मतलब होता है 14 तक, 15 तक, इस तरह के जब सेंटेंस आए ना, तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अप टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ प्रीपोजिशन का यूज में कुछ,
कि टू का प्रयोग लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। टू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो डेस्टिनेशन बताने के लिए करते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो अब उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, तो कॉलेज है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बनाते हैं ना, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो हम प्रयोग करेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट या फिर राम इज गोइंग टू कॉलेज। उसी तरह से सेंड हिम टू अ स्कूल, उसे कहाँ भेजो, स्कूल भेजो, तो दिशा स्कूल की जिधर है वहां पे हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, या दिशा बताता है ना कि लक्ष्य। ये क्या बताएगा, हमारा लक्ष्य बताता है ना कि दिशा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लक्ष्य यानी उसका लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, टू का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए मुंह से गलती से निकल गया था कि हम टू का प्रयोग जो है दिशा के लिए करते हैं, टू का प्रयोग हम जो है करते हैं वो लक्ष्य के लिए करते हैं, लेकिन टुवार्ड्स का प्रयोग जो हम किसके लिए करते हैं, दिशा बताने के लिए। जैसे ही इज गोइंग टुवार्ड्स द कॉलेज, मतलब वो कॉलेज की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे टुवार्ड्स का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये क्या बता रहा है, तो दिशा, डायरेक्शन शो कर रहा है। उसी प्रकार से फोर का प्रयोग भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य या डेस्टिनेशन के लिए होता है। जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, यानी कि वो अमेरिका के लिए निकल रहा है आज रात को, तो यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो फोर का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से अलोंग, अलोंग का मतलब साथ साथ भी होता है और समानांतर भी होता है। देखिए ये समानांतर है, दो रेखाएं जा रही है एक दूसरे के समानांतर, तो जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तो हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, मतलब मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा हूँ, तो समानांतर है, रेलवे लाइन मेरे साथ में है और मैं बगल में चल रहा हूँ रेलवे लाइन के सीधे सीधे। ही वॉक्ड अलोंग द रोड, मतलब वो रोड के सीधे सीधे जा रहा है, तो यहाँ पे ऑन द रोड नहीं करेंगे हम, सिंपली क्या लगाएंगे, ही वॉक्स अलोंग द रोड। उसके बाद देखिए क्या है कि जब दो, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ही वॉक्स अलोंग द रोड ना कि ऑन द रोड। जब दो के साथ साथ, जब दो साथ साथ समांतर हो तब अलोंग विद का प्रयोग होता है। जैसे कम अलोंग विद मी, मतलब मेरे साथ चलो। अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में होता है। देखिए अगेंस्ट का मतलब आपको खिलाफ भी पता होगा, तो देखिए किसके किसके रूप में होता है, तो सबसे पहले प्रतिकूल, अपोजिट के रूप में, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट। अब देखिए क्या है, यहाँ पे करंट का मतलब यहाँ पे धारा है, कि मतलब धारा के विपरीत जो है सेल करना नाव को बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे तो अपोजिशन हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। उसके बाद होता है के विरुद्ध, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब जो है मैं टेररिज्म के क्या हूँ, अगेंस्ट हूँ, तो यहाँ पे भी विरुद्ध के रूप में यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, सहारा लेकर या टेक लगा करके, मतलब सहारा लेकर के खड़े रहना, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, तो यहाँ पे हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रैली, अब देखिए क्या है, मतलब रेलिंग से सटके नहीं खड़े हो, तो डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यू मे फॉल डाउन, तुम नीचे गिर सकते हो, तो सहारा लेने के भी अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ऑन टू, तो ऑन टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ही जंप ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। अब देखिए ऑन टू का मतलब क्या हुआ, जंप करना है ना, ही जंप ऑन टू हिज हॉर्स, मतलब वो अपने घोड़े पे कूदा। उसी प्रकार से विद का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो हम किए साथ करते हैं, आई एम विद यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, मतलब हर कठिन कठिन या कोई भी मुश्किल में, थिक एंड थिन जो है एक idiom है जिसका मतलब होता है कठिन परेशानी में, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे साथ के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, विद का प्रयोग कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे बियॉन्ड देखिएगा, तो बियॉन्ड का मतलब होता है के बाहर या फिर के परे, तो द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिडिशियन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, के बाहर या के परे, तो क्या है, केस जो है किसके परे है, तो ज्यूरिडिशियन जो है उसके परे है हमारा क्या, ये जो केस है। उसी प्रकार से अबाउट का मतलब होता है के बारे में, या फिर और भी बहुत, के लगभग में भी होता है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे पहला है के बारे में, तो आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। बी लगभग, यानी कि इट इज अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे लगभग के रूप में भी किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो अबाउट का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार थर्ड है अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, कार्य तुरंत होने का भाव हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू, तो आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, मतलब मैं तुरंत ही या फिर जल्दी ही नया अध्याय शुरू करने वाला हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्य तुरंत होने का भाव। उसी प्रकार से देखिएगा अबाउट प्लस टू प्लस वी वन के साथ स्थान पर गोइंग प्लस टू प्लस वी वन या फिर बी प्लस टू प्लस वी वन का प्रयोग करने से वाक्य के भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ, मतलब मैं जो है आज नया लेसन शुरू करने वाला हूँ, तो यहाँ पे भी गोइंग टू का प्रयोग हो रहा है, अबाउट टू हम नहीं लगा रहे हैं।
उसी प्रकार से द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच, मतलब मिनिस्टर जो है भाषण देने ही वाले हैं। उसके बाद है एबव तथा बिलो का प्रयोग लेबल बताने के लिए होता है। तो आपको पता है एबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, तो ये क्या करता है लेबल बताता है, और किसी मानक स्टैंडर्ड स्तर लेबल या फिर किसी चिन्ह यानी मार्क से ऊपर एबव का प्रयोग हो और उससे नीचे बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल, यानी कि नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से ऊपर से बह रही है। यहाँ पे क्या बता रहा है, लेबल बता रहा है, एबव का यूज करेंगे ऊपर के अर्थ में, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, यानी एवरेज उसकी जो इंग्लिश है वो क्या है एवरेज से औसतन से क्या है नीचे है। तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है ये, तो बता रहा है लेबल बता रहा है। उसके बाद द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज एबव एमआरपी, ये क्या बता रहा है, चिन्ह बता रहा है ना। उसके बाद क्या, द स्कोर वाज बिलो 100 व्हेन द लास्ट बैट्समैन वाज डिक्लेयर्ड आउट, तो ये भी क्या बता रहा है हमारा, तो आप चिन्ह बता रहा है, मार्क बता रहा है, आप बोल सकते हो। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एबव और बिलो का प्रयोग हम कर रहे हैं। उसी प्रकार देखिएगा 11 नंबर, ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए आपने एपोस्ट्रोफीस पढ़ा होगा, जैसे राम्स काउ यानी राम की गाय, रवीज पेन यानी कि रवि की पेन, उसी तरह से निर्जीव का एपोस्ट्रोफीस बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, टेबल्स वुड हम नहीं कह सकते, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे वुड ऑफ टेबल, चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेग ऑफ चेयर यानी कि चेयर का पैर, तो चेयर्स यहाँ पे एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है, जैसे देखिए ओरिजिन के अर्थ में ही केम ऑफ अ रॉयल फैमिली, वो एक रॉयल फैमिली से आता है, मतलब उसका ओरिजिन क्या हुआ है, उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो उसकी उत्पत्ति जो है एक रॉयल फैमिली में हुई है, तो इसलिए हम इसका किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार बीमारी से मरना, तो बीमारी से जब मरना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डाई ऑफ यानी डाई ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ कॉलरा। लेकिन कारण से मरना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डाई फ्रॉम, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, तो बीमारी बताने के लिए हम डाइड ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कारण पूछे, ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट यानी कि वो प्यास से मर गया, तो कारण के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं डाई के साथ। चलिए अब आगे देखिए सी यानी कि संबंध बताने के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की प्रॉब्लम समस्याएं। उसके बाद देखिए ऑफ क्या, ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए ऑफ का मतलब भी दो होता है, कि ऑफ का मतलब सबसे पहले तो दिया है अलगाव यानी सेपरेशन के, जैसे कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स यानी फ्लावर बेड से डॉग को क्या रखो, दूर रखो, ऐसे ऑफ का मतलब मार देना भी होता है। अब देखिए क्या है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, क्या होता है पीछे, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ यानी पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ रही है। सी हिड बिहाइंड द कर्टेन मतलब वो जो है पर्दे के पीछे जो है वो छुप गई है, यहाँ पे बिहाइंड का मतलब क्या हो रहा है, हम किसका प्रयोग कर रहे हैं इसके लिए, तो पीछे का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें पढ़ना है प्रीपोजिशन के कुछ और जो अदर यूजेज है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ये पहले भी हमने पढ़ा भी कुछ देर पहले, प्रीपोजिशन के बाद हम एडजेक्टिव केस सॉरी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही के बदले हमने किसका प्रयोग किया, हिम का प्रयोग किया। ही रिलाइज ऑन मी, देखिए रिलाई का मतलब होता है भरोसा यानी कि विश्वास, तो ही रिलाइज ऑन मी, यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया, तो पहला आपको रूल जो है समझ में आ गया। उसके बाद है यदि दो ऐसे शब्दों को किसी कंजक्शन एंड और आदि से जोड़ना हो जिनके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हैं यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन लग रहे हैं, तो इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे देखिए ही इज कॉन्शियस ऑफ एंड engaged in, यहाँ पे क्या हो रहा है conscious के साथ off आ रहा है और engaged के साथ in आ रहा है, तो ये जो है स्पष्ट कर दिया गया है her work। उसके बाद देखिए क्या है I was surprised at, अब यहाँ पे surprise के साथ at आ रहा है और please के साथ with आ रहा है, तो इसको भी जो है separate कर दिया गया है, बता दिया गया है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे हो कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है He is senior and older than I, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके साथ क्या प्रीपोजिशन आता है सीनियर के साथ वो नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सीनियर के साथ सीनियर जूनियर इन्फेरियर ये सब जो वर्ड है उनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई, यहाँ पे प्रयोग हम करेंगे, तो आपको बातें जो है यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे,
अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं हम अगर प्रीपोजिशन के बाद किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे टू है, टू के बाद हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, गोइंग का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हम जब इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव के साथ हमेशा टू प्लस वी वन का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद है ही इज अफेयर्ड ऑफ गोइंग। अब अफेयर्ड ऑफ, यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है और इसके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, गोइंग का प्रयोग कर रहे हैं यानी वर्ब फोर का प्रयोग कर रहे हैं, आउट आफ्टर सनसेट। उसके बाद देखिए क्या है, होम शब्द के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। होम शब्द के पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग नहीं करते यदि इसके पहले निम्नलिखित में से किसी वर्ब का प्रयोग हो, जैसे ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रिच। यानी होम के पहले ब्रिंग लगा हो, गो लगा हो, गेट लगा हो, अराइव लगा हो, रिच लगा हो, तो इनके साथ हम जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे होम के साथ। जैसे आई गो टू होम हम नहीं बोल सकते, आई गो टू होम बोलना हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर से टू आप हटा दीजिए क्योंकि गो आया है किसके पहले, होम के पहले गो आया है, तो हम इसका जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद आई वेंट, यहाँ पे देखिए क्या है, आई वेंट होम बाई कार, ये सही है। किंतु यदि होम के पहले कोई पजेसिव केस के एडजेक्टिव जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर या नाउन के साथ एपोस्ट्रोफीस जैसे राम, रोहित आदि का प्रयोग हो तो होम के पहले टू का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू हिज होम, मतलब मैं उसके घर गया। अब देखिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो हिज का प्रयोग किया जा रहा है, तो हिज के पहले हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई डिसाइडेड टू राम्स होम, आई डिसाइडेड टू गो राम्स होम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, राम्स आ रहा है, तो राम्स के पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, स्ट्रेस, एम्फेसिस, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकंपनी, कंसीडर, वायलेट, प्रीवेड, प्रीसेड, सक्सेड, इनवेड, रेसिस्ट, इंटर, एस्क्यू, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, इफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रिच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल, रिजेंबल और रेडिकल। देखिए इन सब के साथ हम क्या नहीं करते, जब ये वर्ब एक्टिव वॉइस में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए वॉइस आपने पढ़ा होगा, तो वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। जैसे आई इट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब मैंने इसे पैसिव बनाया, अ मैंगो इज इटन बाय मी, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस में जब इनका प्रयोग हो रहा है तो इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इनके बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। और इन सब वर्ड का मतलब जो है मैं पहले भी आपको वर्ड मीनिंग की वोकैब की वीडियो में याद करवा चुका हूँ। जैसे स्ट्रेस का मतलब दबाव डालना, इम्फेसिस का मतलब भी होता है दबाव डालना, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है निरीक्षण करना। तो इस तरह से सारे वर्ड्स का ट्रिक जो है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें पढ़ना है इसमें। अब देखें एग्जाम्पल दिया हुआ है, द टीचर एम्फेसिस ऑन नीड और डिसिप्लिन इन लाइफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हट जाएगा क्योंकि ये जो है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, और जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हम इसका प्रयोग जो है इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते। उसी प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकंड जो, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, यहाँ पे भी हम फोर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, ये हमारा जो है ये एक्टिव वॉइस आ रहा है और एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी नो एरर, तो बताइए कौन सा पार्ट एरर है। इसमें देख पा रहे होंगे अबाउट जो है प्रीपोजिशन है जो कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए हमारा जो है बी पार्ट एरर है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संवाद, संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाले वर्ब जो किसी कर्म, यानी कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, तो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो जो किसी कर्म ऑब्जेक्ट के पहले आता है के साथ टू का प्रयोग ना करे, ये वर्ब है एडवाइज, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म और ऑर्डर। तो देखिए एडवाइज का मतलब सलाह देना, टेल का मतलब कहना, इस तरह से मैंने सारे याद करवाया, कमांड, एनकरेज का मतलब साहसी और एनकरेज करना, साहस प्रोत्साहन बढ़ाना बोल सकते हो, एनकरेज का मतलब साहसी भी होता है, रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट करना, इन्फॉर्म का मतलब इन्फॉर्म कर देना, किसी को सूचित करना। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई एडवाइज टू हिम टू गो, ना कि यहाँ पे हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे होगा आई एडवाइज हिम टू गो। उसी प्रकार से यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस नहीं होगा, आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, से और सजेस्ट और प्रपोज,
से मीन्स कहना, सजेस्ट मीन्स सजेशन देना, प्रपोज मीन्स मतलब प्रपोज करना, फिर सलाह देना भी होता है प्रपोजिशन का मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, से सजेस्ट प्रपोज के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रमाण हो, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लिव द प्लेस, यहाँ पे सजेस्टेड के बाद क्या आ रहा है, जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, हिम आ रहा है, इसलिए हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया, टू का प्रयोग किया। सी सेड टू मी दैट, अब यहाँ पे भी हमने सेड के साथ टू का प्रयोग किया क्योंकि ये जो है मी आ रहा है। और ये सब जो है आपको नरेशन में पढ़ना है, नरेशन में ऑलरेडी मैं आपको पढ़वा चुका हूँ, और नरेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है आपको नरेशन। उसके बाद देखिए क्या है कि स्पीक रिप्लाई एक्सप्लेन कंप्लेन टॉक लिसन राइट आदि के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, यदि इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट का रूप, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, अब रिप्लाई के बाद क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है मी, तो इसलिए हमने इसके पहले किसका प्रयोग किया, टू का प्रयोग किया। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर में क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ प्रयुक्त उपयुक्त ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ध्यान दे। जैसे यहाँ पे देखो फर्निश, इंस्ट्रक्ट, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड, सप्लाई आदि इत्यादि का प्रयोग। देखिए आई प्रोवाइड हिम मनी, अब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आई प्रोवाइड यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोवाइडेड हिम विद मनी, और क्या लगा सकते हैं हम, टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, मतलब मैंने उसे मनी प्रोवाइड करवाया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है ऑब्जेक्ट के अनुसार निम्न वर्ब के साथ वर्ब के सही प्रयोग को ध्यान देखिए। अब देखिए वर्ब का सही प्रयोग आपको देखना पड़ेगा वर्ब में, वर्ब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो। जैसे देखिए कंपेंसेट, एक्सप्लेन, फाइंड, प्रपोज, रिकमेंड, रॉब और सजेस्ट इत्यादि। तो रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग, उसी प्रकार से वी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एन एक्सीडेंट, ये सब देखिए फिक्स प्रीपोजिशन है, तो फिक्स प्रीपोजिशन आपको रटना ही पड़ेगा। उसके बाद है सम फ्रेजेस प्रीपोजिशन, अब देखिए कुछ फ्रेजेस प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं बिल्कुल, जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन, यानी टर्म और कंडीशन के अनुसार ही विल हैव द फिनिश इट इन 2 डेज, मतलब वो इसे 2 दिनों में खत्म कर देगा। उसी प्रकार से बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है के बल पर, आई पास द एग्जाम बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब मैं हार्ड वर्क के बल पर, कड़ी मेहनत के बल पर एग्जाम जो है पास हुआ। इन केस ऑफ का मतलब होता है अगर, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100, यानी इमरजेंसी में आपको क्या करना है, 100 नंबर डायल करना है, तो इन केस ऑफ का मतलब होता है कि अगर। उसके बाद वेराइटी बाई वर्च्यू ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के बल पर, द जज कैन पास द ऑर्डर बाई वर्च्यू ऑफ हिज पावर। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है इसके जो है प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है और इनका मतलब जो है फिक्स होता है। जैसे ऑनिंग टू, ऑनिंग टू का मतलब होता है के कारण, एवं ऑनिंग टू एवं ड्यू टू का अर्थ जो है एक ही है, दोनों के बीच मुख्य 2 अंतर हैं, क्या अंतर है वो देखिएगा, वाक्य की शुरुआत ऑनिंग टू से करें ना कि ड्यू टू से नहीं, यानी कि वाक्य की शुरुआत ऑनिंग टू से होता है, ड्यू टू से नहीं होता है। जैसे ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट कम, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, हमें लिखना है क्या, ऑनिंग टू हैवी रेन आई कुड नॉट कम, मतलब जोरदार बारिश के कारण मैं जो है नहीं आ सका। उसके बाद सेकेंड रूल क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, बी के किसी भी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग होता है, मतलब बी, बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वर, यानी बी वर्ब की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो द एक्सीडेंट वाज ऑनिंग टू हैवी रेन, यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन्स। चलिए अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, अब देखिए आगे विद रेफरेंस टू का मतलब होता है के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू योर योर ईयर, सॉरी विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 27 जुलाई 2011 आई हेयर बाई सबमिट माई रिप्लाई। उसके बाद है इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, वी वैकेटेड द प्रीमाइजेज इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन। उसी बात है कि इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस्ड मैनी प्रॉब्लम। उसी प्रकार है ऑन बिहाफ ऑफ के स्थान पर, उसकी उसके जैसे अगला जो है एग्रीबली टू के अनुसार, अब देखो एग्री का मतलब होता है के सहमति होता है, तो के अनुसार, तो एग्रीबली टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ही विल पे यू 1 लाख। उसके बाद है हमारा अगला कि बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के सहायता में, ही अमेस्ट अ लॉट ऑफ मनी बाय मीन्स ऑफ शार्प प्रैक्टिसेस। उसके बाद है फॉर द सेक ऑफ, तो देखिए फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के वास्ते, से प्लांट्स एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रेन। उसके बाद है इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में, ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड।
उसके बाद है इन लियू ऑफ। इन लियू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ही गॉट 50,000 ल्यू रुपीज इन लियू ऑफ हिज क्लेम। उसके बाद है ऑन अकाउंट ऑफ, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस। उसके बाद है इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू का मतलब होता है के संबंध में। देखिए देयर आर सम रूल्स इन ऑर्डर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैचेस। अब यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, आई एक्टेड इन अकॉर्डिंग अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर। ये सब जो है जितने भी ये बात की जा रही है फिक्स प्रीपोजिशन की बात की जा रही है, और फिक्स प्रीपोजिशन जो है आपको याद करने हैं। देखिए अब हमारा शुरू होता है जितने भी हैं फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी जैसे एबहोरेंस, एबहोरेंस ऑफ का मतलब होता है से नफरत, यानी से नफरत करना, एबहोरेंस ऑफ। तो देखिए क्या है यहाँ पे एबहोरेंस के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, लेकिन एबहोरेंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे एबहोरेंट के साथ हमेशा टू आएगा जिसका मतलब होता है से नफरत होना। तो ये सब जो है आपको याद करने पड़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन जितने भी हैं आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, और आप इसे जो है अच्छे तरीके से कर पाओगे। बहुत सारे हैं, ए से लेकर के जेड तक आप देख पा रहे होंगे, तो इतने सारे जो है आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे ए से लेकर के जेड तक, लगभग इसमें नहीं भी तो 400 to 400 तो होंगे इसमें प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, क्योंकि पूरी वोकैब की है प्रीपोजिशन दी हुई इसमें। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है स्पॉटिंग एरर। तो इसमें आपको क्या करना है, आप बिल्कुल आराम से इसको जो है अब सॉल्व कीजिए आसानी से, और एक बार आप फिक्स प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन की ट्रिक बनानी तो बिल्कुल आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगेगा इसमें और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए खुद से, देखिए आपसे होता है या नहीं, और बिल्कुल इसको जो है रटने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, ताकि आप प्रैक्टिस करते करते जो है इसको सही से कर पाए। उसके बाद इसको जो है आप यहाँ से उठाना शुरू कीजिए और यहाँ से बनाइए इसे प्रीपोजिशन को, और इसके जो है इरर्स बनाइए। इसमें क्वेश्चन जो है टोटल आपको दिए हुए हैं लगभग 62 क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल करने से बढ़े। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे आप अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे भाइयों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जो है फायदा पहुंचे वीडियो का, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।